तो पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की खबर मिल रही है। तिरुचिरापल्ली से शारजा जा रहे विमान में खराबी की खबर है। एयरपोर्ट पर 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे से हवा में है फ्लाइट। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के पास हवा में फ्लाइट है, तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की खबर मिल रही है। तिरुचिरापल्ली से शारजा जा रहे विमान में खराबी की खबर है। जानकारी के मुताबिक जैसे खबर मिली वैसे एयरपोर्ट पर 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचा दिया गया है। 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और करीब एक घंटे से बताया जा रहा है कि फ्लाइट हवा में ही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक तिरुचिरापल्ली से शारजा विमान जा रहा था और विमान में खराबी, जैसे ही इसकी खबर सामने आई एयरपोर्ट पर 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौजूद कर दिया गया है। करीब एक घंटे से फ्लाइट हवा में ही है। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आता है इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के पास हवा में फ्लाइट है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि एक घंटा से ही विमान जो है वो हवा में है। एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की खबर मिली और जानकारी के मुताबिक तिरुचिरापल्ली से यह विमान शारजा जा रहा था और तभी खराबी की खबर मिली। कुछ तकनीकी खराबी बताई जा रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अभी भी विमान जो है वो हवा में ही है और जैसे ही तकनीकी खराबी की खबर मिली वैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। और हमारे साथ कैप्टन शंभू प्रसाद जुड़े हुए हैं। शंभू जी, अगर इस सिचुएशन को देखें, जो खबर अभी मिल पा रही है, बताया जा रहा है कि फ्लाइट हवा में है, किस तरीके से इस सिचुएशन को देखा जाए, क्या होगा? जी नमस्कार। पायलट के तौर पर मैं बताना चाहूंगा जी, जब त्रिची से वो जहाज जा रहा है शारजा, तो उसके पास त्रिची से शारजा तक का फ्यूल होना चाहिए। उसके अलावा वहां से जो अल्टरनेट होगा वहां जाने का भी फ्यूल होना चाहिए और फिर कुछ देर किसी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए 45 मिनट का अलग से फ्यूल होना चाहिए। तो जब जहाज चलता है तो सामान और पैसेंजर के अलावा जितना वजन है वो फ्यूल का वजन होता है। तो फ्यूल कैरी करने से इनकम तो नहीं होता है, लेकिन मजबूरी है, फ्यूल तो लेना ही पड़ता है। तो वो फुल्ली लोडेड है फ्यूल से। अब कोई इमरजेंसी अगर हो गई है वहां पर, तो उसने डिसाइड किया कि त्रिची में ही हम लैंड करेंगे, क्योंकि उस इमरजेंसी के साथ मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ होगा कि गियर शायद ऊपर गया नहीं होगा, और गियर अगर ऊपर नहीं जाएगा तो गियर के साथ इतनी लंबी फ्लाइट की नहीं जा सकती है, सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा उस ट्रैक के चलते। मेरा अंदाज है कि यही हुआ होगा कि गियर ऊपर गया नहीं होगा। तीन गियर में से कोई एक, लेफ्ट लैंडिंग गियर, राइट लैंडिंग गियर या नोज व्हील, तीनों में से कोई एक। तो ऐसी स्थिति में उस फ्यूल को बर्न करना है उसको, क्योंकि लैंड तभी करेगा जब मैक्सिमम लैंडिंग वेट जो है उससे नीचे उसका वजन आ जाए। तो उसको चक्कर मारना है, चक्कर मारना है और फ्यूल को खर्च करना है। फ्यूल एक और उपाय है, फ्यूल को समुद्र के ऊपर में डंप करने का, लेकिन वो हर जगह सुविधा नहीं होती है हर जहाज में। तो मजबूरन वो जहाज चक्कर मार रहा है, जब उसका फ्यूल आ जाएगा लैंडिंग के लायक। तो शंभू जी, क्या लगता है कितना वक्त लगेगा इमरजेंसी लैंडिंग कराने में, क्योंकि अभी जो जानकारी है एक घंटे से विमान हवा में ही उड़ रहा है। मेरा अंदाज है कि अब तक में शायद हो गया होगा। अगर आप वहां त्रिची एयरपोर्ट को कांटेक्ट करें तो वो बता देगा, पायलट ने कैलकुलेट करके बता दिया होगा कि और इतना मिनट में चक्कर मारूंगा, तो उसके बाद वो ट्राई करेगा उतरने का गियर के साथ, और एक्सपीरियंस पायलट उसको संभाल लेता है। थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है लेकिन वो संभाल लेगा, ज्यादा चिंता की बात नहीं है।
शंभू जी, वैसे अगर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है तो उस वक्त क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो भी यात्री उसमें होंगे उनके अंदर भी डर होगा कि वो सुरक्षित लैंड करें। हाँ, डर तो जरूर होता है, लेकिन कप्तान की जो ट्रेनिंग होती है इमरजेंसी के लिए ही, वरना टेक ऑफ लैंडिंग तो कोपायलट भी कर लेता है, कमांडर ट्रेंड होता है इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, उतना भरोसा करना पड़ता है कमांडर पर। शंभू जी, बतौर पायलट आपने भी कई सारे विमान दशकों तक उड़ाए हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा सिचुएशन आया? बहुत बार, 5 बार तो इंजन ही बंद हुआ है हमारा। जो भी 30 साल 35 साल के कैरियर में रहेगा इमरजेंसी को मिलती ही रहती है, ये लेके चलना पड़ता है कि हर फ्लाइट स्मूथली नहीं होता है, इमरजेंसी होती है, टैकल करते हैं, सब ठीक रहेगा मेरा अंदाज है, ज्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं अभी दूर हूँ शहर से, गांव में हूँ, और ये न्यूज आप ही से अभी मुझे जानकारी मिली कि ऐसा हो रहा है, मुझे पता भी नहीं था, अभी अभी जब आपके फोन से ही पता चला। इट शुड बी ओके। वैसे लेकिन शंभू जी, जैसा कि अभी हम इस पर चर्चा ही कर रहे थे, जो यात्री उस विमान में सवार है खास तौर पर उनके परिजन काफी ज्यादा चिंतित होंगे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी समझ से उनको आश्वस्त होना चाहिए, जहाज मेरा अंदाज है आधे घंटे के अंदर उतरने वाला होगा और फ्यूल जल चुका होगा, अब तक जितना है उसका वजन उतरने लायक हो गया होगा, और आई थिंक इट विल बी अ स्मूथ लैंडिंग, ठीक ठाक रहेगा मेरा अपना अंदाज है, और जो मैं गेस कर रहा हूँ कि अगर वो कंटिन्यू नहीं किया है तो प्रॉब्लम यही होगा कि तीनों चक्के में से कोई एक चक्का ऊपर जा नहीं पाया है, ये मेरा अंदाज है, गेस कर रहा हूँ, मुझे जानकारी एकदम नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ कि तीन में से कोई एक लैंडिंग गियर ऊपर नहीं जा पाया है, और इसीलिए उसने रिस्क नहीं लिया इतनी लंबी फ्लाइट जाना और शारजा में जाकर के ये काम करना, उससे अच्छा है कि जहाँ से चले वही उतर जाए, वहाँ इंजीनियर है, सारी सुविधाएं हैं, वहाँ बन जाएगा जहाज, उसके बाद फिर दोबारा जाएगा, टेक्निकल चीज है, ऐसा होता है, कभी कभार होता है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है तकनीकी खराबी क्या है ये तो जांच के बाद ही पता सबको चल पाएगा, लेकिन अभी जो जानकारी है बताया जा रहा है कि 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है, उसे बुला लिया गया है, क्या प्रोसेस किस तरीके से?